Hello everyone, welcome to one more fresh episode of Life in Progress, the personal and professional stories. Actually, आज का जो हमारा एपिसोड है, it is the extension or you can say the part two of one of our previous episode. Earlier we did a lot in length discussion. What is the role of physiotherapy in different physical ailments? How physiotherapy can help? We discussed at length about the prehabilitation and rehabilitation process. तो अभी तक अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो बिफोर वॉचिंग दिस एपिसोड आई थिंक यू शुड वॉच द एपिसोड नंबर वन फर्स्ट. आई शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. बट येस, वॉट इज स्पेशल इन टूडेज एपिसोड? आज हम डिस्कस करेंगे वॉट इज द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन वेरियस न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस. इफ आई टॉक अबाउट इन द सिंपल टर्म्स, तो ऐसी कौन कौन सी डिजीजेज हैं विच आर रिलेटेड टू द ब्रेन और उसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, ये हम डिस्कस करेंगे. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आज का हमारा पूरा डिस्कशन इट विल बी एक्सक्लूसिवली इन हिंदी. सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड वेलकम आवर टुडेज गेस्ट डॉक्टर सृष्टि बैनर्जी. So hello everyone, as I was telling you, today we have again Dr. Srishti Banerjee. Srishti, first of all, welcome to our show once again. Thank you, ma'am, for having me again. Srishti, after our first episode, जितना भी हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द फिजियोथेरेपी एंड प्रीहैबिलिटेशन रिहैबिलिटेशन इन डिफरेंट डिजीजेस, तुमने एक बहुत बड़ा मिथ ब्रेक किया था उसमें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिफोर आफ्टर एवरीवेयर द रोल ऑफ दिस फिजियोथेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो लोग सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट के पास ऐसे नहीं है कि आपको बोन फ्रैक्चर हो गया या कुछ मसल्स स्प्रेन आ गया तभी जाना है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द केस जहां पे हम जा सकते हैं. बट सृष्टि, आज जैसा कि आपने पहले भी बताया है, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विद द रेलम ऑफ फिजियोथेरेपी, दिस इज ऑल अबाउट न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस. ये वर्ड ना अब सुनने में ही इतना हेवी सा वर्ड है, डरावना लगता है. तो सबसे पहले इस वर्ड को डीकोड कर दो सबके लिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो कि व्हाट डज इट मीन. जी, सो जब हम न्यूरो डीजनरेटिव की बात करते हैं तो पहले हम वो वर्ड को दो में ब्रेक करते हैं. सो इट इज न्यूरो और डीजनरेटिव. सो न्यूरो हमेशा आपके ब्रेन या तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ एसोसिएटेड होता है. और जब हम डीजनरेटिव की बात करते हैं, सो डीजनरेटिव एकदम लेमैन टर्म्स में मैं अगर बताऊं, सो डीजेनरेटिव इज बेसिकली एजिंग. किसी भी स्ट्रक्चर का जब एजिंग होता है वो एक वेयर एंड टेयर टाइप ऑफ चेंज में जाता है. जैसे आई विल जस्ट गिव यू सिंपल एग्जांपल, जब हम नी की बात करते हैं तो सबको पता है कि घसारा जो बोलते हैं, या इट इज लाइक कि नी पेन ओल्ड एज में होता है. तो क्या है, जब कार्टिलेज जो है वो बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, जैसे एज है या तो फिर प्रोलॉन्ग सिटिंग पोजिशन है, वो सब फैक्टर्स की वजह से वो जो कार्टिलेज है वो घिसने लगता है. सो उसको हम डीजेनरेटिव बोलते हैं. जब ये सिमिलर प्रोसेस आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यूज में होती है तो हम उसको न्यूरो डीजेनरेटिव. सो डीजेनरेटिव बेसिकली कुछ नहीं, इट इज एजिंग ऑफ अ टिश्यू, उसको हम बोलते हैं डीजेनरेटिव. सो कॉम्बिनेशन में आएगा न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस. सृष्टि, अभी जो आप बता रहे हो, इट्स एन एजिंग. जितना हम सब समझते हैं, एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, वो होना ही होना है. होना ही होना तो है. फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को ये न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस होती हैं फॉर द सर्टेन सेट ऑफ पीपल, लेकिन हर किसी को नहीं होती? बट एजिंग तो सबको होती है. राइट. सो ये बहुत एक क्रॉस सेक्शन पे हम आ जाते हैं कि क्यों ऐसा. उसका द आंसर टू दिस इज कि कुछ लोगों में वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होता है, कुछ लोगों में वो हेरिडेट. Can you just simplify this term genetically predisposed? राइट. जैसे कैसा होता है ना कि आपकी हम इन बेसिक टर्म्स इफ आई एक्सप्लेन, जीन्स सबको पता है. जीन्स क्या करते हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो कैरेक्टरिस्टिक्स पास करते हैं. इन वेरी सिंपल टर्म्स, अगर मैं अपने पापा की जैसी हूँ सो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, द वे ही लुक्स, या तो उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, इवन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मुझ में आए हैं जेनेटिकली. उनके कुछ जीन्स जो है वो मुझ में एक्सप्रेस हुए हैं. तो दैट इज बेसिकली जेनेटिकल. नाउ अगर हम इसमें थोड़ा और डीप में जाए, सो उसमें
आई वुड जस्ट अगेन अ साइंटिफिक टर्म, दैट इज नोन एज जेनेटिक म्यूटेशन. म्यूटेशन मतलब बेसिकली इन वेरी सिंपल टर्म्स, एक जीन है ठीक है, वो जीन का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसके जगह पे या उस इन दैट नॉर्मल स्ट्रक्चर कहीं पे कोई अबनॉर्मलिटी है, उसके भी बहुत सारे कॉजेज है, बट दैट इज नोन एज म्यूटेशन. कि वो जो जीन नॉर्मली होना चाहिए उसकी जगह पे देर इज समथिंग अबनॉर्मल, राइट. सो व्हाट हैपेंस इज कि जब हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन की बात करते हैं तो वो एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है. तो दैट इज जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आता है, मेरे फैमिली में तो किसी को नहीं है पर मुझे है, ऐसा क्यों? सो अगेन दिस इज अगेन प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं कि कुछ जीन्स डोमिनेंट होते हैं, कुछ जीन्स रिसेसिव होते हैं. लाइक अगर मैंने मेरे पेरेंट्स से कुछ जीन्स इनहेरिट किए हैं, मतलब मुझ में मेरे पेरेंट्स से कुछ जीन्स आए हैं, तो सारे के सारे एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, राइट. सब उनको जो जो जीन्स एक्सप्रेसिव नहीं है उनको हम बोलते हैं रिसेसिव जीन्स, और जो एक्सप्रेसिव है उनको हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन्स. तो जब हम ये जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन की बात करते हैं तो वो जो जीन्स थे शायद आपके पापा में वो रिसेसिव थे, इसलिए उनको पार्किंसंस या कोई भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज नहीं हुआ, पर आप तक आते आते या आप में जब वो आए तो तब वो डोमिनेंट हो गए, राइट. इसकी वजह से आप में वो आया है, आप में वो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस आए. सो ये एकदम सिंपल प्रोसेस होता है, दैट ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ मैकेनिज्म्स आर बिहाइंड दिस. अभी उसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आपके फूड हैबिट्स, आपके लाइफस्टाइल हैबिट्स, वो सब उसको प्रीडिस्पोज करते हैं कि आप में हुआ नहीं हुआ. सो जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन इज अ वेरी डाइसी कॉन्सेप्ट कि कहीं पे आप में वो जीन्स में म्यूटेट हुए या आप में वो जो रिसेसिव थे प्रीवियस जनरेशन में वो आप में आके डोमिनेंट हो गए हैं. सो दिस आर अगेन, ये जो है ना, ये सारे हाइपोथेसिस है. हाइपोथेसिस लाइक हाइपोथेसिस आर बेसिकली पॉसिबल कॉजेज या पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस है ऑफ दिस न्यूरोडिजनरेटिव डिजीजेस. सृष्टि, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर. यू आर टेलिंग कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि वो डिसाइड करेंगे कि द पर्टिकुलर जीन जो रिस्पॉन्सिबल है न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज के लिए वो डोमिनेंट होगा या नहीं होगा. दे हाँ आर वेरियस फैक्टर्स. सो एज अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है, जो जितने भी लोग इस एपिसोड को सुन रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो कुछ इम्पोर्टेंट, या फॉर एग्जाम्पल इफ यू से कि टॉप 5 फैक्टर्स, क्या वो उनको समझ सकते हैं? सो दैट मुझे पता है कि मुझे मुझे पानी साफ पीना है, मुझे पता है कि माय फूड शुड बी प्योर, मुझे पता है कि मुझे बैलेंस डाइट लेनी है. दीज आर सम बेसिक रूल्स जो लाइफ रूल्स हैं. तो ऐसे ही क्या फॉर दिस न्यूरो डिजनरेटिव डिजीजेस, इसके लिए भी कैन आई हैव सर्टेन टू डू लिस्ट और नॉट टू डू लिस्ट, सो दैट वो जीन डोमिनेंट ना हो या वो जीन एक्सप्रेस ना हो और आई कैन प्रिवेंट माई सेल्फ. राइट. सो कैसा होता है ना, देखिए एक एक बात तो मैं क्लियर कर दूंगी यहाँ पे कि आप उसको रोक नहीं सकते हो टू गेट डोमिनेंट या एक्सप्रेस होने के लिए, बिकॉज वो प्रोसेस हमारे हाथ में नहीं. सो जब हम जो चीज़ हमारे हाथ में है उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, मतलब जो फैक्टर्स एट रिस्क है आपके हाथ में है आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो. सो वो एंड दिस इज ट्रू फॉर कोई भी टाइप के न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज या कोई भी टाइप के डिजेनरेटिव डिजीज इन जनरल. फर्स्ट होता है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और यू कैन से लाइफस्टाइल चेंज. दैट मींस कि आप फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज रहें, एंड बहुत सारी स्टडीज ऐसा बोलती है कि जो एरोबिक एक्टिविटी होती है, सो एरोबिक इज अगेन अ टेक्निकल टर्म जिसको मैं ब्रेक डाउन करूंगी. कार्डियो सो यस, कार्डियो, वेरी सिंपल टर्म्स, कार्डियो, राइट. सो किसी भी टाइप की एरोबिक एक्टिविटी, अभी कार्डियो में भी अगेन टू सिंप्लीफाई इट इज, आपने साइकिलिंग कर लिया या आपने जॉगिंग कर लिया, आपने ट्रेडमिल पे चल लिया, आपने स्विमिंग कर लिया, अगर आपको डांस पसंद है आपने डांस कर लिया, सम फॉर्म ऑफ योगा जैसे सूर्य नमस्कार है. सो ये सब एक्टिविटीज आती है अंडर एरोबिक
एक्टिविटीज या कार्डियो हार्ट वर्कआउट. रेट बढ़ना चाहिए यस, बेसिकली। हार्ट रेट बढ़ना चाहिए बेसिकली. एंड ये ना सब बहुत मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस होती हैं. हम कोई वेट लिफ्ट नहीं कर रहे हैं, हम कोई पुशअप्स नहीं कर रहे हैं, राइट? सो दिस आर वेरी, जिसमें आपकी पूरी बॉडी इज इन मूवमेंट, राइट? जैसे अगर आप वॉक कर रहे हो तो योर एंड पूरी बॉडी में चेंजेस आते हैं, या आप स्विमिंग कर रहे हो तो आपको पूरा बॉडी, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका ब्रीदिंग, आपके लंग्स, आपके मसल्स, सो एवरीथिंग, सब कुछ इज इनटू इट. तो ये जो एरोबिक एक्सरसाइज है या कार्डियो एक्सरसाइजेस, वो प्रूवन है टू रिड्यूस द रिस्क न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस के. सो इन वेरी, और ये जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस है ना, उनका ऑनसेट होता है आफ्टर द एज ऑफ 50, और आई वुड से आफ्टर द एज ऑफ 60, जो आपको फीचर्स दिखने लगते हैं, राइट? सो इट इज एडवाइजेबल कि आप जो भी एज ग्रुप में हैं, अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली में कहीं पे ये थोड़ा बहुत है, इवन अगर आपके पापा में नहीं है, आपके ग्रैंडफादर में है, मम्मी मम्मी के साइड के नाना जी के साइड में है, या दूर के कहीं रिलेटिव्स में है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने आप को कोई भी एक फॉर्म ऑफ एरोबिक या कार्डियो एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें. सो व्हाट हैपेंस इज कि, और मैं वो भी नहीं बोल रही हूँ कि आप रोज करें, राइट? भी हमारी लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, सो टू आपको टाइम निकालना है ऑफ जस्ट 3 to 4 days इन अ वीक, राइट? आप ऑल्टरनेट डे कर सकते हो, आप यू स्टार्ट विथ 10 मिनट से शुरू करें, 15 मिनट, 20 मिनट. सो ये हमारे हाथ में, दैट इज फर्स्ट. दूसरा, जैसे आपने अभी बोला, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, अ बैलेंस डाइट, गुड अमाउंट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ, लाइक प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, बैलेंस डाइट इज ऑलवेज नेसेसरी. एंड सेकेंडली, जो हमारी लाइफस्टाइल अभी है, दैट इज हमको बहुत बहुत टाइप के स्ट्रेस है. लाइक एवरीवन, अगर मैं एक स्कूल के बच्चे से लेके एक 70-year-old दादाजी की बात करूं, एवरीबडी, कोई ना कोई टाइप का स्ट्रेस तो हमको है. The irony is, we have to live, we have to accommodate ourselves for this stress. यस, एब्सोल्युटली, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. एंड द और अब ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रेस इज नॉट गोइंग टू कम डाउन, दिन ब दिन ये बढ़ने ही वाला है. We have सो to increase our coping mechanisms. यस, हमको हमारा कोपिंग मैकेनिज्म, हमको स्ट्रेस से कोप करने की स्ट्रेटजीज, जैसे हम मेडिटेशन है या माइंडफुलनेस है या जो भी, लाइक अभी जैसे मेडिटेशन की बात है, मेडिटेशन सुन के पीपल आर लाइक, ओ मैं आंख बंद करती हूँ और मुझे दुनिया भर के थॉट्स आते हैं. सो इसमें मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ दैट आप गाइडेड मेडिटेशन करें. सो देर, आप कहीं किसी भी यूट्यूब वगैरह किसी पे भी, आप यू कैन जस्ट सर्च, और आप अग्री करेंगे कि बहुत सारे ऐसे गाइडेड मेडिटेशन वीडियोस हैं, सो दैट आपको वो गाइड कर रहा है, एंड देर इज समथिंग आप उसको फॉलो कर पा रहे हो, रादर देन जस्ट आंखें बंद करके वही थॉट्स में इंडल्ज होना. सो ये टॉप टॉप 3, आई वुड से, आउटलाइन हम बोल सकते हैं कि अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली में ये है, तो इट इज बेटर दैट यू स्टार्ट टुडे, आप आज शुरू करें इन एनी, और ऐसा भी नहीं है कि एक ही दिन में सब करना है, कर लेना है, वन स्टेप एट अ टाइम. एंड यू कैन डिवाइड कि चलो आज मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, सुबह 10 मिनट, 15 मिनट, तो शाम को मैं 15 मिनट वॉक के लिए जाऊंगी ऑन ट्यूजडे. तो आप उसको जब जब सब साथ में करना आता है ना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो यू ब्रेक इट डाउन इन टू सेशंस, कैन बी डन मोर इजीली. या दैट्स वंडरफुल। इनफैक्ट जो अभी आपने बताया, बिकॉज आई कोरिलेट विथ मेडिटेशन अलॉट, बिकॉज आई माई सेल्फ इज अ माइंड सेट यस, कोच, तो वेन एवर इट कम्स टू मेडिटेशन, सो आई ऑलवेज टेल ईच एंड एवरी वन, द हू सो एवर कम्स टू मी, कि जब आप मेडिटेशन शुरू करते हो, डोंट रेस्ट्रिक्ट द थॉट। आप जितना रेस्ट्रिक्ट करोगे वो उतना आएगा, लेट उतना इट कम, आएगा. लेट इट फ्लो, उसको बस फ्लो होने दो अपने माइंड के थ्रू। फ्लो होते होते एक स्टेज ऐसी आएगी कि इट विल स्टॉप ऑटोमेटिकली, सो लेट इट फ्लो। और जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप बता रहे हो कि डिवाइड योर स्केड्यूल इनटू स्मॉल स्मॉल पोर्शंस, कि कभी 10 मिनट्स कर लिया, कभी 15 मिनट्स कर लिया, कभी फिर 10 मिनट्स कर लिया, सो दैट यू विल बी एबल टू कंप्लीट, वो पूरा रूटीन कंप्लीट हो जाएगा जी हर चीज का। बट वन क्वेश्चन विच इज कमिंग अगेंस्ट सृष्टि, यू आर टेलिंग कि ये जो 50+ वाला एज है,
यहाँ पे कुछ सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं। तो आई एम आस्किंग टू क्वेश्चंस टुगेदर, वो सिम्टम्स क्या होते हैं और कब वो अलार्म आता है पीछे से मुझे कि हाँ अब वो सिम्टम्स आ रहे हैं, नाउ आई शुड विजिट समवन, और वो जो फर्स्ट विजिट या फर्स्ट कंसल्टेशन मेरा होना चाहिए वो किसके साथ होना चाहिए, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द न्यूरोसर्जन, या मैं मतलब कोई कहाँ जाए सबसे पहले फर्स्ट, क्योंकि न्यूरोसर्जन का नाम सुनते ही ना मतलब स्केरी इट्स सो स्कैरी, तो कहाँ कब और कहाँ। जी. सो जैसे हम बात कर रहे थे दैट जब हम न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस की बात करते हैं कि अर्ली सिम्टम्स क्या हैं, तो बेसिकली जब हम न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस बोलते हैं तो कई डिजीजेस आते हैं उसके अंडर, और कुछ बहुत अनकॉमन है, कुछ बहुत कॉमन है. जैसे पार्किंसंस डिजीज है, वो बहुत कॉमन है. अल्जाइमर्स डिजीज है, वो बहुत कॉमन है. सो पार्किंसन डिजीज को बेसिकली कंपवा बोलते हैं इन एकदम लेमैन टर्म्स. दैट कंपवा मतलब इट इज अ शेकिंग शेकिंग टाइप ऑफ अ डिजीज, क्योंकि उसके उसका मेजर जो सिम्टम है दैट इज बैलेंस इश्यूज वगैरह. तो पहले लाइक अगर हम 10 साल या 12 साल पीछे जाते हैं, तो जब पार्किंसन्स तब ऐसा था कि जो सिम्टम्स है जैसे बार बार गिर जाना या फॉल्स, वो ही इनिशियल सिम्टम्स जो है जो पकड़े जाते थे, और तब तक काफी देर हो जाती थी. बट अभी कैसा है ना, जैसे जैसे रिसर्च ने एडवांस किया है, कुछ बहुत माइल्ड साइंस जो है वो हम बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं. जैसे पार्किंसंस की अगर मैं बात करूँ, मेरे बहुत पेशेंट्स ऐसा कंप्लेन करते हैं कि जब वो चेक लिखते हैं ना तो उनका चेक बाउंस होता है. सो ये इसीलिए होता है बिकॉज उनकी हैंड राइटिंग द सिग्नेचर हैज चेंज्ड, जो साइन जो है वो चेंज हो जाता है. राइट, उनको ये रियलाइज नहीं होता है. और ये कैसे होती है ना, ये साइंस बहुत सटल, मतलब शायद 5 में से 3 बार होती होंगी, बट अगर इसको क्लोजली ऑब्जर्व किया जाए तो पार्किंसंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर ऐसा है कि आपका जो हैंड राइटिंग है वो चेंज हो जाता है. तो ये बहुत इनिशियल साइन है. उसके बाद पार्किंसंस डिजीज में बहुत कॉमनली ऐसा होता है, पेशेंट कॉन्स्टिपेशन का बहुत कंप्लेन करते हैं. राइट, और जो पार्किंसंस डिजीज में ना, बेसिकली मैं सिम्टम्स बता दूं तो सिम्टम्स में ऐसा ऐसा है कि बार बार अगर बैलेंस आउट हो जाता है, पेशेंट गिर जाता है, हाथ पैर में स्टिफनेस आ जाती है, आपका जो पॉस्चर है वो मुड़ जाता है. सो यू विल हैव अ फ्लेक्स पॉस्चर. सो ये सब क्लासिकल मेजर साइंस है जो लेटर स्टेजेस ऑफ द डिजीज में होती है. पर ये जो मैंने आपको बताया कि साइन चेंज हो जाना, या तो फिर अगर मैं कॉन्स्टिपेशन की बात करूँ तो बहुत पेशेंट्स ऐसे हैं जो जिनको कोई जनरली नॉर्मल लाइफ में कोई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स नहीं है, बट अचानक से वो कॉन्स्टिपेशन कंप्लेन करते हैं, कहीं पे वो ऐसा फील करते हैं कि बैलेंस में प्रॉब्लम हो रहा है. तो ये बहुत छोटे छोटे साइंस है जो अगर आपको पता है तो वो अलार्मिंग है. और इसको अगर आप कोरिलेट करें कि आपकी फैमिली में किसी को है ये साइन, अगर पार्किंसंस है, अल्जाइमर्स आपकी फैमिली में है, तो आप बहुत इजीली ये साइंस से आप थोड़ा अलार्म हो सकते हैं कि ठीक है, हमको किसी को कंसल्ट करना चाहिए. सो आपको जो दूसरा क्वेश्चन था कि हमें किसे कंसल्ट करना चाहिए, तो द राइट पर्सन टू कंसल्ट एट दिस स्टेज इज अ न्यूरोफिजिशियन, राइट, नॉट अ न्यूरोसर्जन. आप अपने जनरल फिजिशियन को भी कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर आपका जनरल फिजिशियन ये साइंस पकड़ सकते हैं तो वो खुद ही आपको न्यूरोफिजिशियन की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं. सो ये जो न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस है ना, उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपके न्यूरोफिजिशियन है वो. और ये कैसा होता है ना, ये जो न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस है, जैसे मैं अगर पार्किंसंस की बात करूँ, तो आप अगर एमआरआई करवाओ या सीटी स्कैन करवाओ ना तो कुछ नहीं आता है. राइट, देयर आर नो फाइंडिंग्स. राइट, ये आपको क्लिनिकली ही डायग्नोज करना पड़ता है. सो द बेस्ट पर्सन इज आपका जो न्यूरो फिजिशियन है. एंड इवन अगर आप डाउट में हैं, आप डेफिनेटली अपने फिजिशियन को विजिट कर सकते हैं, उससे वो आपको रिफर कर देते हैं टू न्यूरो फिजिशियन. सृष्टि, अब जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी हियर, और जैसा हमने लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस किया था, देर आर टू स्टेजेस इन फिजियोथेरेपी, द प्रीहैबिलिटेशन एंड रीहैबिलिटेशन।
तो सबसे पहले व्हाट आई वांट टू डू एंड व्हाट एवरीबॉडी वांट टू नो कि जैसे ही मुझे ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स है, मुझे दिखना शुरू हुआ कि कुछ है, या उससे भी एक स्टेज पहले, आई हैव सीन दैट इन माई फैमिली देर इज अ हिस्ट्री ऑफ पार्किंसंस, तो क्या मुझे फिजियोथेरेपिस्ट को पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए सो दैट आई कैन हैव द ड्यू करेक्शंस इन माई लाइफ स्टाइल एंड ड्यू एडवाइस आई एम हैविंग बिफोर हैंड. तो पहले प्रीहेबिलिटेशन के बारे में इफ यू कैन गाइड एवरीवन. जी, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में बात बात की, प्रीहैबिलिटेशन मतलब कुछ हो उससे पहले, राइट? हाँ तो यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया कि कुछ जो बेसिक है, लाइफस्टाइल चेंजेस है या एक्सरसाइजेस है, वो तो आपको करने ही करने हैं. बट जब हम प्रीहैबिलिटेशन पार्किंसंस के बारे में जब बात करते हैं, ये ना कोई भी न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज, वो बहुत स्लो इन प्रोग्रेशन होता है, राइट? ये सारे सारे जो भी डिजीजेस है, वो बहुत धीरे 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 प्रोग्रेस करते हैं, बट प्रोग्रेस करते हैं. ऐसा फ्रैक्चर जैसा या स्ट्रोक जैसा नहीं है कि एक बार आ गया फिर आपको कुछ नहीं होना है, ऐसा नहीं. एवरी अदर डे इट इज गोइंग टू प्रोग्रेस. द प्रोग्रेशन, भले प्रोग्रेशन बड़ा स्लो है, पर है, होता है. तो जब हम प्रीहैबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, तो प्रीहैबिलिटेशन इस कंटेक्स्ट में ऐसा है दैट आप को शुरू हुआ है कहीं कहीं, आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स देखने को मिले हैं, राइट? आप उसके लिए ट्रीटमेंट ले रहे हो फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपिस्ट के पास. अब वो फिजियोथेरेपिस्ट को पता है कि बैलेंस इश्यू है, वो आज नहीं तो कल आना ही आना है. पॉस्चर इश्यू है, वो आज नहीं तो कल आना ही आना है. इवन पार्किंसंस में ऐसा होता है दैट बिकॉज वो पॉस्चर ऐसा है, आप आई आई वुड जस्ट लाइक टू शो यू बेंड लाइक दिस अच्छा, इन इट्स अ पार्किंसंस. फॉरवर्ड बेंडिंग. इट इज अ फॉरवर्ड बेंडिंग. आपका नेक से शुरू होता है, आपका जो रिब केज है, एवरीथिंग इज फॉरवर्ड बेंडेड लाइक दिस, राइट? सो वो फॉरवर्ड बेंडिंग है ना, वो फॉरवर्ड बेंडिंग आपके रिब केज पे भी असर करता है. मतलब वो आपके ब्रीदिंग कैपेसिटी पे भी असर करता है, राइट? आज नहीं तो कल वो ब्रीदिंग इश्यूज भी आपको आने ही आने. सो डेफिनेटली. प्रीहैबिलिटेशन इज इन दिस कंटेक्स्ट इज, एक बार डिजीज का ऑनसेट हो गया, आप क्लिनिकली डायग्नोज हो गए हो कि पार्किंसंस है, आप जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके लिए आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, जो आने वाले हैं उसके लिए भी आप पहले से ट्रीटमेंट लोगे. तो दैट इज प्रीहैबिलिटेशन इन पार्किंसंस. जैसे ब्रीदिंग में अभी आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है, पर आप चेस्ट एक्सपांशन एक्सरसाइजेस करेंगे, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, बिकॉज पार्किंसंस ऐसा डिजीज है जिसमें आगे जाके ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगी. तो हम उसको, द प्रोग्रेशन को हम स्लो डाउन कर सकते हैं. सेकेंडली, हम इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं. द सेम इज ट्रू फॉर बैलेंस. अभी आपको बैलेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से चल रहे हो, कोई इश्यू नहीं है, फिर भी आप बैलेंस ट्रेनिंग लेंगे, यू विल टेक फिजियोथेरेपी फॉर बैलेंस. आप बैलेंस, भले ही आपका बैलेंस सही है, बट आप वो सेट ऑफ एक्सरसाइजेस करेंगे टू मेंटेन इट, और आगे जाके वो प्रोग्रेशन को हम स्लो कर सकते हैं ये एक्सरसाइजेस से. और अगर कहीं पे कोई इश्यू आता भी है, तो आप बहुत जल्दी उसको पकड़ सकते हो और बहुत जल्दी वो ट्रीट हो सकता है. तो प्रीहैबिलिटेशन इन न्यूरो डीजनरेटिव कॉन्टेक्स्ट इज, कुछ सिम्टम्स आपको आए हैं, कुछ पता है कि ये आने वाले हैं, तो उसके लिए हम प्रोएक्टिवली काम करें. और सृष्टि, व्हाट एवर यू आर टेलिंग, जो आप बता रहे हो सारा पार्किंसंस के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हो, तो ये सेम अप्लाई होता है अल्जाइमर्स पे भी? देखिए, पार्किंसंस और अल्जाइमर्स का ना एक फंडामेंटल डिफरेंस ऐसा है, पार्किंसंस आपके बॉडीली मूवमेंट्स या हम मोटर एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, जैसे आपके हाथ पैर को आप कैसे हिलाते हो, आपका वॉकिंग कैसा है, आपका बैलेंस कैसा है, वो सब पे ज्यादा असर करता है, राइट? और जबकि अल्जाइमर्स ऐसा है, अल्जाइमर्स बेसिकली आपके ब्रेन फंक्शन को अफेक्ट करता है, जैसे मेमोरी है, मेमोरी. डिमेंशिया जिसको हम टाइप ऑफ मेमोरी लॉस बोलते हैं, वो एक की फीचर है अल्जाइमर्स का, जो पार्किंसंस में हो सकता है लेटर स्टेजेस में, बट कार्डिनल नहीं. कार्डिनल मतलब लाइक द जो की फीचर है वो पार्किंसंस का मेमोरी पे ज्यादा नहीं है. इट इज बेसिकली आपका थिंकिंग स्लो हो जाता है, आप जनरली स्लो हो जाते हो पार्किंसंस. तो अल्जाइमर्स में ना बेसिकली ऐसा होता है, देखिए अल्जाइमर्स में मोटर फीचर्स भी रहते हैं, बट ऑफ अ लेसर इंटेंसिटी,
जब हम पार्किंसन के साथ कंपेयर करते हैं, तो एल्जाइमर्स का जो है ना, एल्जाइमर्स का रिहैबिलिटेशन या प्रीहैबिलिटेशन पार्ट इज अंडर कॉग्निटिव एरिया. कॉग्निटिव मतलब इन वेरी सिंपल टर्म्स, कॉग्निटिव इज बेसिकली एसोसिएटेड आपके ब्रेन फंक्शंस के साथ. जैसे आपका मेमोरी है, आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शन है. एग्जीक्यूटिव फंक्शन इन बेसिक टर्म्स इज मैथमेटिक्स, राइट? सो इट वाज जस्ट एन एग्जांपल कि आप एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में प्लानिंग हो गया, जो हम रोजमर्रा की उसमें करते हैं, कि सम पेशेंट विद अल्जाइमर्स विल फील कि ओके, मुझसे ये छोटा सा कैलकुलेशन भी नहीं हो रहा है, या तो फिर मैं भूल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है. तो वो जो है ना, वो कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन के अंडर आता है. देयर आर वी डील विद एक्सरसाइजेस जो आपके ब्रेन फंक्शन को टारगेट करती है. सो ये फंडामेंटल डिफरेंस है पार्किंसंस और अल्जाइमर्स का. अब सृष्टि, नाउ वन मोर पॉइंट. हमने ये समझ लिया कि न्यूरोडीजनरेटिव है क्या, देर आर टू मेजर डिजीजेस जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रीहैबिलिटेशन भी यू हैव डिकोडेड अ लॉट. अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि किसी को पार्किंसंस है एंड दैट टू एट अ सीवियर कंडीशन, उसका सर्जरी भी हो गया, सब कुछ हो गया. आफ्टर दैट अगेन क्या फिजियोथेरेपिस्ट का रोल आएगा वहां पे वंस द सर्जरी एंड एवरीथिंग इज डन? और क्या सर्जरी के बाद सारे सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे? राइट. सो बेसिकली कैसा होता है ना, दैट सर्जरी जनरली रिकमेंडेड नहीं होती है फॉर मेजोरिटी ऑफ पार्किंसंस पेशेंट्स, अनटिल एंड अनलेस इट इज एक्सट्रीमली सीवियर, राइट? एक्सट्रीमली सीवियर है तभी तभी कुछ डॉक्टर सर्जरी रिकमेंड करते हैं, बिकॉज वो प्रोग्रेसिव है, वो न्यूरोडीजनरेटिव प्रोग्रेशन है. और फिजियोथेरेपी ना, फिजियोथेरेपी इज ऑलवेज एसेंशियल. मतलब हमेशा आप कोई भी स्टेज ऑफ डिजीज में हैं, या आप कोई भी लाइक सर्जरी हुई है, सर्जरी नहीं हुई है, सर्जरी होने के बाद भी कुछ सेट ऑफ एक्सरसाइजेस या कुछ सेट ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स में पेशेंट को एनरोल्ड रहना पड़ता है, राइट? सो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रोज करें 6 डेज और 7 डेज अ वीक, बट कुछ एक्सरसाइजेस आपको फंक्शनल रखती, आपकी जो रोजमर्रा की इश्यूज है उसमें आपको फंक्शनली इंडिपेंडेंट रखती है. फिजियोथेरेपी का बेसिकली गोल यही रहता है न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस में, कि वो पेशेंट को इंडिपेंडेंट रखे. बिकॉज क्या होता है ना, दैट दैट डिपेंडेंसी ऑल्सो हैज अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, राइट? तो पेशेंट को इंडिपेंडेंट रखे, पेशेंट को फंक्शनल रखे, वो अपना काम खुद कर सके, राइट? और किसी पे डिपेंडेंट ना रहे. तो वो मेजर गोल रहता है फिजियोथेरेपी का, और वो कोई भी स्टेज ऑफ डिजीज के लिए सही जाता है. ऑनसेट हुआ है तब से शुरू कीजिए आप, फिर थ्रू आउट द प्रोसेस अगर सर्जरी हो गई है तो उसके बाद भी इट इज एडवाइजेबल कि आप किसी ना किसी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में एनरोल्ड रहे. मतलब अंडर सुपरवाइज्ड गाइडेंस आपको रहना यस, चाहिए. रहना चाहिए. कुछ होम एक्सरसाइजेस अगर आपको उतना सीवियर नहीं है तो द फिजियोथेरेपिस्ट विल आपको एक होम एक्सरसाइज प्रोग्राम दे देते हैं. आप वो होम एक्सरसाइजेस करिए, आप हफ्ते में 1 या 2 बार फॉलो अप कीजिए. वो आपका फिजियोथेरेपिस्ट बेस्ट है टू डिसाइड कि आपको रोज आने की जरूरत है, हफ्ते में 3 दिन जरूरत है, 2 दिन जरूरत है. सो वो पेशेंट टू पेशेंट, सीवियरिटी टू सीवियरिटी डिफर करता अच्छा सृष्टि, वन मोर मतलब लिटिल ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन है ये. है. जैसे अभी आपने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट बताएगा कि आपको रोज आने की जरूरत है या नहीं है. अभी हम जो है ना, हम ग्लोबलाइजेशन में रह रहे हैं एंड फिजियोथेरेपी एवरीथिंग गोज ऑनलाइन, तो क्या फिजियोथेरेपी भी ऑनलाइन दी जा सकती है? हाँ जी, एब्सोल्युटली. जब हम थोड़ा फ्लैशबैक में अगर जाए तो कोविड 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 जो वो कोविड एरा पैंडेमिक का था, तब टेली रिहैबिलिटेशन ने बहुत पॉपुलैरिटी गेन की है. बिकॉज स्पेसिफिकली क्या होता है ना, दैट कोविड में तो ऐसा था कि आप यू आर नॉट एबल टू रीच द सेंटर्स, राइट? तो तब से, और बहुत सारा रिसर्च भी इस पे हुआ है कि टेली रिहैबिलिटेशन कैन बी डन. आप वीडियो कॉलिंग से फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप उसको हाइब्रिड में कीजिए. हाइब्रिड मतलब अगर एक लाइक दोनों कीजिए, राइट? अगर आप हफ्ते में 3 दिन सेंटर पे जा सकते हैं तो जाइए, फॉलोड बाय इफ योर फिजियोथेरेपिस्ट सजेस्ट कि ठीक है इतना हम ऑनलाइन कर सकते हैं अंडर सुपरविजन, तो इट्स फाइन.
योर फिजियोथेरेपिस्ट इज बेस्ट टू डिसाइड कि आपका, अभी देखिए पार्किंसंस या अल्जाइमर्स की बात करें, मेजोरिटी पार्किंसंस, तो एक तो ये ओल्ड एज पीपल, ओल्ड एज पॉपुलेशन रहता है, और बैलेंस इश्यूज वगैरह कैसा है उसके बेसिस पे द फिजियोथेरेपिस्ट विल डिसाइड दैट इफ इट इज एडवाइजेबल कि आप अकेले कंप्यूटर स्क्रीन के सामने वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आपका कोई फैमिली मेंबर साथ में है, कोई केयर टेकर साथ में है, इट्स फाइन, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने, आपका जो कंसल्टिंग फिजियोथेरेपिस्ट है उसका, आपका जो असेसमेंट कर लिया या आपका एग्जामिनेशन के बाद, ही और शी इज द राइट पर्सन टू डिसाइड. ओके सृष्टि, वन मोर लिटिल टेक्निकल क्वेश्चन आई वांट टू आस्क। जब हम ये प्रीहैबिलिटेशन या रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में एंटर करते हैं थ्रू अ फिजियोथेरेपिस्ट, आई एम आस्किंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजियोथेरेपी ओनली, तो मेरा जो ये डीजेनरेशन का प्रोसेस है जो एक्चुअली हो रहा है मेरे ब्रेन में, द सेल्स आर गेटिंग एज्ड और स्लोली स्लोली सेल्स आर डाइंग, ये सारा प्रोसेस शुरू हो गया है मेरे ब्रेन में, तो ये जो फिजियोथेरेपी के स्पेसिफिक मूवमेंट्स है, दिस इज ऑल द फिजिकल मूवमेंट्स, तो हाउ दीज फिजिकल मूवमेंट्स आर कनेक्टेड टू द एजिंग ऑफ माय नर्व सेल्स। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब हम न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज के बारे में, जैसे आपने कहा कि द प्रोसेस इज देयर, यस तो इट इज हैपनिंग राइट. और पार्किंसंस की या अल्जाइमर्स की कोई अभी तक ऐसे मेडिसिन नहीं आए हैं जो वो डीजेनरेशन को स्टॉप कर सके, राइट. एक्चुअली मैं तो पूछ रही हूँ सृष्टि ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में अभी भी ये मिथ होगा कि एक्सरसाइज करने से मेरे ब्रेन की जो एजिंग है वो कैसे रुक जाएगी या राइट, कैसे स्लो हो जाएगी। ओके. सो जब हम बात करते हैं कि वी आर स्लोइंग डाउन द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेशन, तो अगेन थोड़ा टेक्निकल टर्म, जब भी आप फिजियोथेरेपी लेते हैं या फिजियोथेरेपी प्रोग्राम में आप एनरोल्ड हैं, तो जो भी इंटरवेंशंस है दे, अगर आप, देर आर इंटरवेंशंस जो न्यूरोप्लास्टिसिटी बेस्ड है. सो अगेन न्यूरोप्लास्टिसिटी हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे. न्यूरो इज अगेन योर ब्रेन, एंड प्लास्टिसिटी जो है ना, प्लास्टिसिटी, योर ब्रेन इज अ मार्वलस ऑर्गन. ब्रेन में उतनी कैपेसिटी है कि वो कुछ न्यूरल सर्किट्स है या आपकी जो नर्व सेल्स है, जो नर्व पाथवेज है, उसको रीजनरेट कर सकता है, राइट. सो न्यूरोप्लास्टिसिटी इज बेसिकली एक प्रोसेस है जो आपकी ब्रेन में होती है इन रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, और बाकी बहुत सारे फैक्टर्स है, बट एज आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज इज फिजियोथेरेपी, तो मैं फिजियोथेरेपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करती हूँ. सो ये जो एक्सरसाइजेस जो हैं जो आप करते हैं, वो बाहर से एक स्टिम्युलाई देता है आपके ब्रेन को, और उसके रिस्पॉन्स में ये जो नर्व सेल्स है या नर्व पाथवेज है, वो रीजनरेट होते हैं. देखिए आई एम नॉट सेइंग दैट द प्रोसेस ऑफ डीजनरेशन हैज स्टॉप, मैं इसको बहुत आराम से, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हम फिजियोथेरेपी करवा के रीजनरेशन को स्टॉप कर सकते हैं, नो दैट इज नॉट पॉसिबल, बट हम एक एक स्टिमुलाई दे रहे हैं जिसकी वजह से कुछ नर्व सेल्स, कुछ पाथवेज वो रीजनरेट होते हैं. तो ये जो प्रोसेस है ना, वो पैरेलल चलता है, जैसे प्रोसेस ऑफ डीजनरेशन एंड रीजनरेशन. बट एज देखिए, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ब्रेन तो डीजनरेट होना ही, राइट, वो नर्व सेल्स तो डीजनरेट हो ही रहे, बट अगर आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं तो वो रीजनरेशन का भी एक प्रोसेस साथ साथ में इट इज टेकिंग प्लेस, तो वो जो प्रोग्रेशन है डिजीज का वो स्लो डाउन हो जाता है. सो देर आर इंटरवेंशंस एंड जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बेस्ड इंटरवेंशंस बोलते हैं, एंड ये जो एक्सरसाइजेस है वो टारगेटेड होती है टू फॉर द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, आपके ब्रेन के जो सेल्स, जो नर्व सेल्स है उसको रीजनरेट करने के. और प्रॉब्ली शायद हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमें क्लास 10th और 12th में पढ़ा जाता था प्लास्टिसिटी, कि देयर इज अ प्लास्टिक मटेरियल एट होम, उसको अगर आप किसी प्लास्टिक रिसाइकलर को देते हो तो उसको मेल्ट करके नया प्रोडक्ट बना देता है, जी एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग इन आर नर्व सेल्स, कि वो पुराने सर्किट को तोड़ के नया सर्किट्स बना देते हो, वो नया सर्किट नया फंक्शन करना शुरू कर देता है। राइट. सो लाइक थोड़ा मैं आपको करेक्ट करूंगी यहाँ पे, बिकॉज लाइक जो डीजनरेशन हो रहा है ना, वो तो होगा ही, जो पुराने सर्किट्स है वो तो होने ही होने हैं, दे आर देयर, हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, राइट. वो सर्किट्स रहने ही हैं, नए सर्किट्स बनते हैं,
राइट. सो देर इज जो डीजनरेटेड है वो जो सेल्स विच हैव डाइड उनका कुछ नहीं हो सकता. जो सेल्स डीजनरेट हो गए वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. बट हम यहाँ नए सेल्स बनने के लिए हम बाहर से एक स्टिमुलाई दे रहे हैं, तो आपके ब्रेन विल सिक्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स एंड न्यूरो ट्रांसमीटर्स वगैरह करके नए सेल्स नए पाथवेज बनाता है. आई होप एवरीबडी इज गेटिंग क्लैरिटी. अभी तक सबको ये न्यूरो वर्ड बहुत क्लियर होगा. सृष्टि इज डी कोडिंग ईच एंड एवरी वर्ड. सृष्टि, जस्ट वन और टू मोर क्वेश्चन, बिकॉज बहुत सारा किया है आपने आज. ये जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होती है, एक्चुअली स्पेसिफिकली हम पार्किंसंस और अल्जाइमर्स के टर्म्स में ही बात करते हैं. यहाँ पे जो जो सिनेरियो प्रोबेबली मैंने देखा है या जितना सुना है, लोग एक तो ये ओल्ड एज में हुआ तो वैसे ही थोड़ा रेजिस्टेंस आ गया लोगों के अंदर कि पता नहीं कि ठीक होगा या नहीं होगा. और बहुत ज्यादा हम इतने सिग्निफिकेंट सक्सेस स्टोरीज भी नहीं सुनते हैं इन केसेस की. तो जब ये सारे थेरेपीज ली जाती हैं, वेदर इट्स अ फिजियोथेरेपी और कंसल्टेशन विथ न्यूरो फिजिशियन, सो वॉट इज द सक्सेस रेट इन द पेशेंट्स कंडीशन कमिंग बैक, नॉट टू द नॉर्मल, आई एम नॉट टेलिंग टू द नॉर्मल सिनेरियो, बट अप टू वॉट परसेंटेज वो कितना वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकता है, मतलब ऑन अ 10 पॉइंट स्केल, कि वो 50% कम बैक कर सकता है या 60%, 70%, ये सारी थेरेपीज को मिला के वो कितना कम बैक कर सकता है अपनी नॉर्मल लाइफ में. बेसिक मेन इशू इज द मोटर स्किल्स, जो उसकी बहुत ज्यादा बहुत तेजी से डिग्रेड हो रही है, एंड द पेशेंट इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली. राइट. सो लाइक जैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे आपको एक नंबर नहीं दे सकती बिकॉज आप अलग हो, मैं अलग हूँ, मेरा सिवियरिटी ऑफ डिजीज अलग है, आपका सिवियरिटी ऑफ डिजीज अलग है, राइट. सो बट हम जनरल रिकवरी रेट का अगर बात करें, इट इज वेरी आयरनिकल दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस. बट पार्किंसंस का ना, अगर आप बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पार्किंसंस पेशेंट्स, तो पार्किंसंस बहुत कॉमन है, राइट. भले हम इतना ऐसा हमको लगता है कि बहुत भारी भरकम वर्ड है, बट इट इज वेरी कॉमन, राइट. एंड आप नहीं मानोगे दैट द रिकवरी रेट ऑफ पार्किंसंस इज ग्रेट, राइट. द आपको बहुत क्लियर प्रिसाइज रिकवरी देखने को मिलती है. आई हैव सीन पेशेंट्स जिनके गेट गेट मतलब द वे द पेशेंट वॉक्स, उसमें हमको रिकवरी मिली है. द वे जो बैलेंस जनरली ये पेशेंट का ना, एक अभी कैसा हो गया, अगर हम इफ यू आर नॉट पिकिंग अप द इनिशियल साइंस, पेशेंट तब अवेयर होते हैं जब दो तीन बार दे हैव फॉलन, एक दो बार अगर गिर गए हैं फिर रियलाइज होता है कि देर इज समथिंग रॉन्ग, राइट. तो ये फॉल रेट भी आया है नीचे. सो बेसिकली जब हम फिजियोथेरेपी की या तो फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज की बात करें, मैं हमेशा बोलती हूँ दैट स्पेसिफिकली फॉर अ न्यूरो पेशेंट और फॉर एनी पेशेंट, हमेशा आप एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में ही काम करके उसको मैक्सिमम रिजल्ट दे सकते हैं. सो हम न्यूरो फिजिशियन की बात करें, फिजियोथेरेपिस्ट की, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, स्पीच थेरेपिस्ट की, एज अ टीम जब हम काम करते हैं, सो द रिकवरी इज रियली गुड अगर हम टारगेटेड एक्सरसाइजेस करें रादर देन. इसमें ऐसा होता है ना, वन साइज डज नॉट फिट ऑल, बिकॉज आपके सिम्टम्स अलग है, यस, आपके सिम्टम्स अलग है, मेरे सिम्टम्स अलग है. तो अगर मैं आपके सिम्टम्स पे काम कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छी रिकवरी मिल जाती है. एंड दूसरा ये है कि हमारा ना मेन टारगेट, मैंने पहले भी बोला कि फंक्शनल पेशेंट को ले आना है, एंड दैट इज डूएबल, राइट. इट इज थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है पेशेंट को, फैमिली को. और ये पेशेंस के लिए ना, व्हाट आई प्रिफर इन माय प्रैक्टिस, मैं जब भी फर्स्ट कंसल्टेशन करती हूँ फॉर एनी न्यूरो पेशेंट, माय कंसल्टेशन लास्ट फॉर 1-1.5 आवर फॉर फर्स्ट फर्स्ट टाइम इफ अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया है, बिकॉज पहला आधा पौना घंटा तो आपका जो रेगुलर असेसमेंट है उसमें चला जाता है. एंड वेन जब आप असेस करते हो ना, तब पेशेंट को रियलाइज होता है ओके, मुझसे ये भी नहीं हो रहा है, मुझसे वो भी नहीं हो रहा है. तो आफ्टर दैट इट इज योर वेल इट इज माई जॉब एज अ फिजियोथेरेपिस्ट दैट आई एजुकेट द पेशेंट
एंड आई विल एजुकेट द फैमिली एज वेल. मैं आई एंड नो फॉल्स होप्स नथिंग. आप आई गिव अ रियलिटी चेक. आप पेशेंट को रियलिटी चेक दो कि ये इश्यूज है, इतने इतने इश्यूज हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट? हम इतनी इतनी चीजों पे काम करेंगे. अगर आप मेरे पास फिजियोथेरेपी सेशन के लिए आ रहे हो, मैं आपके बैलेंस पे काम करूंगी, मैं आपके ब्रीदिंग पे काम कर रही हूँ, मैं आपके पोस्चर पे काम कर रही हूँ, और आप उसका इंटरकनेक्टेड जो है ना, आप वो पेशेंट को समझाओगे इन द फर्स्ट सेशन कि अगर मैं आपके पोस्चर पे काम कर रही हूँ तो वो ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस ठीक करेगा. आपका बैलेंस अगर ठीक हो रहा है तो आप ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू वॉक नाइसली. तो ये जो एजुकेशन है, एंड जैसे आपने कहा कि रिकवरी रेट रेट पे एक बहुत बहुत इन्फ्लुएंस रहता है द साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट. और न्यूरो पेशेंट्स में तो स्पेसिफिकली, मैं आपको एक रियल लाइफ रियल टाइम सिनेरियो जो होता है ना, व्हाट हैपेंस इज कि ये होगा 55 या 60 60 के एज के बाद, फॉर दोज पीपल जो अपनी पूरी लाइफ एक्टिव थे, हाँ राइट? ये जनरल रिटायरमेंट एज है कि 60 के बाद दिस पीपल आर एक्टिव थ्रू आउट देयर लाइफ, किसी पर डिपेंडेंट नहीं, दे वर ऑल बाय देमसेल्व्स. और जब ये 60 के बाद जो एक इम्पैक्ट या एक ब्लो आता है ना कि अब शायद मुझे स्टिक लेके चलना पड़ेगा, या रात को आई हैव टू वेक माई पार्टनर अप कि भाई अकम्पनी करो मुझे वॉशरूम तक, या मैं अपने लाइक मेरे सन या डॉटर को बोलना पड़ता है कि यू हैव टू अकम्पनी मी हियर, दैट इज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर द पेशेंट, राइट? जनरली अगर आप पार्किंसंस के पेशेंट को मिलते हो ना, तो फर्स्ट थिंग दैट दे से कि मैं इतनी चीजें अकेला कर लेता था या कर लेती थी, अब मुझे छोटी छोटी चीजों पे किसी पर डिपेंडेंट होना पड़ता है. तो ये जो रिकवरी रेट है ना, ये इस पे बहुत द इन्फ्लुएंस इज ह्यूज. हम जितना फिजिकली काम करते हैं ना, उतना हमको साइकोलॉजिकली काम करना पड़ता है. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि आप जितना साइकोलॉजिकली काम करोगे ना, वो साइकिल है, दिस आर ऑल इंटरकनेक्टेड. मैं जितना साइकोलॉजिकली काम कर रही हूँ, वो उतना अच्छा मुझे फिजिकल इनपुट दे रहा है, विच इज अगेन इम्प्रूविंग हिज और हर ओन साइकोलॉजिकल स्टेटस. सो जो इवन फॉर द फैमिली, फैमिली में भी व्हाट दे फील कि एज हो गई है, अब शायद हम कितना भी थेरेपी करवा ले शायद कुछ नहीं फर्क होगा पड़ेगा, कुछ कुछ नहीं होगा. एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही. हाँ सो इट इज ऑलवेज सेड दैट हम पेशेंट को, उसके फैमिली को, सी इनिशियल 1 महीना 1.5 महीना टफ रहता है, बट पार्किंसंस पेशेंट रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू फिजियोथेरेपी. आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं. सो दैट इन्फ्लुएंसेस अ लॉट ऑन द रिकवरी. और ये कैसा है ना, ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इज नॉट वन टाइम थिंग. आप इट इज लाइक आपको हर रोज वो करना पड़ता है. जैसे इफ आई एम सीइंग द पेशेंट, वो पूरे 1 घंटे के सेशन में आई डू अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग स्पेसिफिकली फॉर माई न्यूरो पेशेंट्स. बिकॉज एक तो एज एंड एनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इज डिसेबलिंग. जो इट इज लाइक आपको कुछ टाइम के लिए तो ऐसा फील करवा देता है कि ओ आई एम सो डिपेंडेंट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, बट हमको वो रियलाइज करवाना होता है दैट इट इज ऑल टेम्पररीली, यू विल बी बैक ऑन योर फीट. True, true, Sishti, and I can 100% correlate with this. Even that's what which I practice as well. कि अगर आप अपने thoughts और belief system पे काम करना शुरू करते हो, तो it has a profound effect on your physical ailments and other things as well. So definitely, and it is scientifically proven. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि it is happening with me या किसी और के साथ हो रहा है. It is scientifically proven. कि जो आपके थॉट्स या एब्सोल्युटली बिलीफ सिस्टम है वो आपके फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी और कि जो आपके फिजिकल प्रोसेस है उसको अफेक्ट करेंगे ही करेंगे, इधर पॉजिटिव और निगेटिव इन और बोथ. नेगेटिव, एब्सोल्युटली. एंड नो डाउट सृष्टि, दिस टॉपिक इज सो वास्ट, इतना बड़ा टॉपिक है ना ये, कि हम शायद इस पे घंटों बात कर सकते हैं. बट आई नो एब्सोल्युटली. टाइम रिस्ट्रिक्शंस, टाइम लिमिटेशंस, बट स्टिल आई वुड से कि आपने इतनी इतने लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में इस टॉपिक को बहुत ब्यूटीफुली डीकोड किया है, बहुत ब्यूटीफुली डीमिस्टिफाई किया है. कि लोगों को ये लगता है इफ आई एम हैविंग न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस, सो ओनली आई हैव टू विजिट द न्यूरो रिलेटेड डॉक्टर्स ओनली. बट नो, द रोल ऑफ फिजियोथेरापिस्ट इज इंडिस्पेंसिबल, व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड.
एंड शायद वो बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस ला सकते हैं आपकी लाइफस्टाइल में और आपकी डेली रूटीन्स में. सो इफ समवन वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, सो व्हाट्स द प्रोसीजर सो दैट आई कैन गिव द डिस्क्रिप्शंस, आई कैन गिव ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शंस. एब्सोल्युटली आई वुड जस्ट शेयर माई ईमेल आईडी विथ यू, ओके एंड आप वो डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं. एनी वन हु इज विलिंग टू कॉन्टैक्ट मी, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू, लाइक जो भी फिजियोथेरेपिस्ट को तो ये पता है, तो जो भी पेशेंट्स है या जो भी फैमिली मेम्बर्स है, उनको मैं ये बोलना चाहूंगी दैट अगर आपको डायग्नोसिस आया है ऑफ न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज, इट्स फाइन, लाइफ डज नॉट एंड देयर. वी कैन बाउंस बैक, एंड इट लाइफ खत्म नहीं होती है यहाँ पे, राइट? आप आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है कि आप डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी पे. इट इज नॉट लाइक दैट, राइट? फिजियोथेरेपी एंड दिस वो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हैज द पावर कि आपको बाउंस बैक करवा सके अपने फीट पे. सो डोंट लूज होप, वी आर देयर टू हेल्प यू. That's wonderful. That's really wonderful, Srishti. And probably, I hope कि ये जो discussion है बहुत सारे लोगों की life में एक hope लेकर आ सकता है. और probably बहुत सारे लोग शायद ये समझ सकते हैं कि अगर एक बार वो disease start हो गई है तो what you are telling कि ऐसा नहीं सब कुछ खत्म हो गया. You एब्सोल्युटली have to fight with it. You have to be a warrior. एंड डेफिनेटली जब आप शुरू करते हो काम करना तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी आएंगे. दैट्स वॉट यू आर टेलिंग सिंस बिगिनिंग, स्टार्ट वर्किंग वेर एवर यू आर, उसी पॉइंट से काम करना शुरू करो. सो अगेन सृष्टि, आई डोंट नो हाउ टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन, बट इट इज सो इंट्रीगिंग एंड इट इज सो इंटरेस्टिंग. बट स्टिल थैंक्स अ लॉट सृष्टि फॉर डूइंग विद अस द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ फिजियोथेरेपी. और मुझे लगता है फिजियोथेरेपी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं विच एवरीवन नीड्स टू लर्न. तो वी विल कीप ऑन कमिंग टू यू अगेन एंड एब्सोल्युटली अगेन फॉर डिफरेंट एब्सोल्युटली टॉपिक्स, फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स. बट फॉर टुडे थैंक यू सो मच सृष्टि, बिकॉज इट इज वेरी सेंसिटिव टॉपिक जो आपने आज एक्सप्लेन किया है. राइट. तो एनी फाइनल वर्ड्स फ्रॉम योर साइड बिफोर आई एंड दिस सेशन? अगेन आई जस्ट कीप ऑन सेइंग दैट डोंट लूज होप, राइट? वी कीप दैट फाइटिंग स्पिरिट, एंड ऑल्सो फॉर द फैमिली. हम ना ये जब हम न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, एंड स्पेसिफिकली आई वुड टॉक अबाउट द स्पाउस, मतलब मैंने मेरे करियर में ऐसा देखा है रिसेंटली. आई एम एक्चुअली ट्रीटिंग अ पार्किंसंस एंड अ बिट कॉम्प्लिकेटेड वर्जन ऑफ पार्किंसंस डिजीज, एंड द स्पाउस इज एक्चुअली वेरी वरीड, राइट? हम वो एस्पेक्ट में नहीं देखते हैं दैट द फैमिली इज इक्वली वरीड. द पार्टनर डज नॉट स्लीप, द पार्टनर हैज स्लीपिंग डिफिकल्टीज जस्ट बिकॉज ऑफ एंगजाइटी. सो ये चीजें हम काफी, बिकॉज उनको ऐसा होता है कि उठेंगे कहीं गिर जाएंगे, सो दैट सेट ऑफ, बिकॉज आई नो पेशेंट इज द फोकस, ऑब्वियसली एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन द पेशेंट, बट आई माई फैमिली मेम्बर्स को भी ये बोलना चाहूंगी, एंड आई वुड जस्ट लाइक टू डिरेक्ट दिस कि फैमिली भी उतनी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दे ऑल्सो गो थ्रू अ लॉट विच इज यू नो नॉट वेरी हाईलाइटेड. सो वेन वी आर डीलिंग विद अ पेशेंट, वी डील विद द फैमिली. सो फॉर द पेशेंट्स एंड द फैमिली, डोंट लूज होप, कीप अप योर स्पिरिट्स, एंड यू नो दिस इज नॉट द एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड. हम हमेशा बाउंस बैक कर सकते हैं, एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प. मैं शेयर कर दूंगी अपना ईमेल आईडी, आप डाल दीजिए, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू एज मेनी एज ईमेल्स पॉसिबल. आई होप आई कुड बी हेल्प ऑफ समवन समवेयर. सो राइट, थैंक यू सो मच सृष्टि, थैंक्स अ लॉट. एंड आई विश कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में यू विल ब्रिंग अ होप एंड डेफिनेटली दे विल बाउंस बैक व्हाट यू आर डूइंग. थैंक्स अ लॉट सृष्टि फॉर एवरीथिंग. थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी.